सो गाइस आप लोगों को उस जगह लेके चलते हैं जहां लोग अपनी पर्चियां लेकर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। सिलमपुर जाफराबाद के लोग एक साथ मिलके आज वोटिंग करेंगे, तो आप बने रहिए FBC न्यूज के अंदर। हाँ, तो बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपना कीमती वोट डाल के आ चुके हैं या डालने जा रहे हैं। तो बात करते हैं ऐसे लोगों से। हाँ तो चाचा, आपने अपना कीमती वोट किसको दिया? बेटा मैंने तो अपना वोट कांग्रेस को दिया है। वो क्यों चाचा जी? बे हमारी मर्जी, फालतू बात मत कर। अरे यहाँ क्या बच्चे कर रहे हो तुम? अरे चाची जी, आपने किसको वोट दिया? अरे अंधा है तू, तुझे मैं चाची दिख रही हूँ। अरे सॉरी सॉरी मैडम, आपने किसको वोट दिया है? अरे मेरी उम्र ही अभी 20 साल है, पूछ तुझे क्या पूछना है। हाँ तो मैडम, आपने किसको वोट दिया है? अरे मैंने ना कमल से वोट दिया है। मैडम क्यों? अरे हमें कमल बहुत पसंद है और ये हमारे बालों में अपने हाथों से लगाते हैं। अरे जब तो हमने हाथ पे मोर लगाई है, हाथ ही नहीं होंगे तो फूल कैसे लगाएंगे इनके बालों में। पापा मम्मी मैंने भी वोट डाल दिया। अरे बेटा आपने किसे वोट दिया? अबे बेटा किसे बोल रहा है, भाई बोल ढक्कन। हाँ तो छोटे भाई आपने किस पे मोहर लगाई है? ऑटो पे मोहर लगाई है। तो छोटे भाई आपने ऑटो पे मोहर क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है क्योंकि पापा स्कूटी नहीं दिलवा रहे। मैंने तो ऑटो को ही वोट दिया है क्योंकि अब तो ऑटो का ही सहारा है। मम्मी जल्दी चलो घर, मैं वोट डाली आई, मुझे झाड़ू भी लगानी है। अरे आपकी नौकरानी बड़ी हॉट है भाई। अरे मेरे बधाई के लल्ला, काम वाली नहीं मेरी बेटी है। अरे सभी यही कहते हैं नौकरानी जैसी लगती है ये। अच्छा तो आप ये बताइए आपने वोट दिया किसे? मैंने तो झाड़ू पे मोहर लगाई है। मोहर लगेगी झाड़ू पे? हाँ तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों ने एक ही परिवार का होके चारों को अलग अलग वोट दिया है, ये आप मुझे बताइए। हम सबसे प्यार करते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। हमारे 4 वोट थे और हमने सबको दिए हैं। पर आप सब लोगों ने ऐसा क्यों किया, एक किसी को क्यों नहीं जिता देते हो आप? क्योंकि हम और हमारा परिवार सब लोगों से प्यार करता है। इनकी प्यार और मोहब्बत को देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं और आपकी भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। तो इसलिए आप देखते रहिए FBC न्यूज, बने रहिए। ओके बाय बाय।